कुमाऊं के लोगों को बड़ी सुविधा मिल गई है। वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। बट कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने दीप प्रज्वलित कर वाणिज्य न्यायालय डिवीजन का उद्घाटन किया। उद्घाटन में पहुंचे न्यायमूर्ति तिवारी, पुरोहित व थपलियाल का बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन में बन जाने से कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को इसका निश्चित तौर पर सीधा लाभ मिलेगा। इससे पूर्व कुमाऊं की जनता व अधिवक्ताओं को अपने बहुत से वाणिज्यिक संबंधी कार्यों के लिए देहरादून जाना पड़ता था। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से कल से कार्य शुरू हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो इसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।